एक जंगल में एक नागिन और उसके दो जुड़वे बेटी रहती थी। जुड़वे बेटी बहुत दोनों अच्छी और खूबसूरत थी। दोनों का कपड़ा सेम टू सेम दोनों पहनती थी। दोनों साथ में रहती थी। एक दूसरे से दोनों प्यार मोहब्बत किया करती थी। दोनों एक साथ रहती थी। बरसों बीत गए कुलदेवी के दर्शन किए हुए, इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं उनके दर्शन के लिए जाऊं। तुम दोनों उन्हीं की कृपा से हुई थी। उसके बाद से मैं तुम दोनों में इतनी उलझ गई कि वक्त ही नहीं मिल पाया वहां जाने के लिए। पर इस बार मुझे जाना ही होगा। माँ, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। हमें भी कुलदेवी के दर्शन करने हैं। छाया बिल्कुल सही बोल रही है माँ, हम दोनों आपके साथ जाएंगी। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें यहीं रहना होगा। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम दोनों को मैं एक बहुत बड़ा काम सौंप कर जाने वाली हूँ। ऐसा कौन सा बड़ा काम आप हमें देकर जाने वाली हो, बताओ ना माँ। अब तुम्हें तो पता ही है कि मेरा जाना वहाँ कितना जरूरी है। अगर मैं नहीं गई तो कुलदेवी बहुत नाराज हो जाएंगी और वो मेरी हस्ती खेलती दुनिया को तबाह भी कर सकती है। मनीषा अपने दोनों बेटियों के घर के अंदर बुलाकर लाती है और वहाँ खुदाई करती है। उसमें से कुछ निकालती है और अपने बेटियों को खाती है। माँ, ये क्या है और ये रोशनी कैसी? आपने उस रोशनी के अंदर से क्या उठाया? आपकी मुट्ठी में ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है? ये नागमणि है और ये मणि मुझे कुलदेवी की कृपा से मिली है। पहले ये मणि तुम्हारे पिताजी के पास हुआ करती थी, पर उनकी मृत्यु के बाद ये मुझे हासिल हो गई। इस मणि में बहुत शक्ति है। ये मणि जिसके पास भी होती है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और वो इससे जो चाहे वो हासिल कर सकता है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, कुछ भी। पर माँ, ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं? इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं कुलदेवी के दर्शन के लिए जाऊंगी तो तुम दोनों इस मणि का ध्यान रखना। और ये मणि जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दोनों इसके मिलते ही बहुत शक्तिशाली बन जाओगी। यहाँ जंगल में आए दिन सवेरे घूमते रहते हैं मणि हासिल करने के लिए। बस बेटा, उनसे जरा बच कर रहना। तुम दोनों वैसे तो बहुत समझदार हो और मुझे पता है कि तुम इस मणि को मेरे आने तक अच्छे से संभाल कर रखोगी। मनीषा चली जाती है दोनों बेटियों को मणि सौंप कर। फिर मणि जहाँ से निकाली थी वहीं रख देती है। इधर एक लड़का सब कुछ सुन रहा होता है, उसका नाम सुंदर रहता है। अगर मैं रास्ता भटकते हुए यहाँ ना आता तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ एक नागिन और उसकी बेटियाँ रहती हैं। इन दोनों नागिन बहनों के पास नागमणि है और वो मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी। फिर सुंदर अंधे होने का नाटक कर अंदर चला जाता है। तभी दोनों, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? इसने हमें इस रूप में देख लिया है और अभी हमारे बारे में सबको बता देगा, इसीलिए अभी बचकर नहीं जा सकता। पर हमसे बचकर जा नहीं पाएगा। मैं अभी इसका काम तमाम कर देती हूँ। माया जैसे नागिन के रूप में सुंदर के पास जाती है। सुंदर के अंदर डर रहता है पर मणि के आगे वो डर भी हार जाता है। मैं अंधा हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मुझे मेरे घर तक का रास्ता दिखा सकती हो? अंधे हो पर बहरे तो नहीं, तुमने जरूर हमारी बातें सुनी होंगी। यहाँ पंछियों का इतना शोर है कि उनकी चहचहाने की आवाज के आगे मुझे कुछ और सुनाई ही नहीं दिया। मैं तो बहुत देर से मदद मांग रहा हूँ, पर भगवान का शुक्र है जो तुम मुझे यहाँ मिल गई। माया, ये शायद सच बोल रहा है, ये वाकई अंधा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए पर अभी अंधेरा होने वाला है। राहगीर, तुम ऐसा करो, आज रात यहीं हमारे घर रुक जाओ, कल सुबह हम दोनों तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। सुंदर मन ही मन बहुत खुश होता है। जो मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मुझे इन दोनों जुड़वा नागिनों को अलग करना होगा। इसके लिए मुझे इन दोनों में से एक के साथ झूठे प्यार का नाटक करना होगा और उससे शादी करनी होगी। थोड़ी देर के अंदर सुंदर माया के साथ मीठी मीठी बातें करने लगता है। मैं अपनी आँखों से देख तो नहीं सकता पर अपने मन की आँखों से सब देख सकता हूँ। तुम दोनों बहने हो और दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो। मैंने ठीक कहा ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों जुड़वा बहने हैं, इसीलिए दिखने में एक जैसी है। सुंदर के बात सुनते ही माया मन ही मन खुश होती है, लेकिन छाया बैठी बैठी सब गुस्से में सब कुछ देख रही होती है। अगर ये अंधा लड़का
अपने मन की आंखों से ये देख सकता है कि हम दोनों दिखने में एक जैसी हैं, तो ये और सब भी तो देख सकता है अपने मन की आंखों से। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं सही बोल रही हूँ, इसका मतलब तो यही है ना कि इसने हम दोनों को नागिन रूप में भी देखा होगा। अभी रुको, मैं दिखाती हूँ कुछ। चलो हम दोनों फिर से नागिन रूप में आ जाते हैं और इस लड़के के सामने जाकर इसे डराते हैं, देखते हैं फिर ये डरता है या नहीं। माया और छाया दोनों नागिन के रूप में आकर सुंदर को डराने लगती हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं डरना, हिम्मत बनाकर रखनी होगी, तभी मैं मणि हासिल कर सकता हूँ। मुझे पता है ये दोनों मुझे जानबूझकर डरा रही हैं, पर मैं नहीं डरूंगा। क्या बात है, तुम दोनों शांत क्यों हो गई? कुछ बोलो ना। देखो ना, वो बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि उसने हमें इस नागिन रूप में देखा ही नहीं। ये लड़का बिल्कुल बहुत साफ है और मुझे इसकी बातों पर पूरा यकीन है। सुंदर को छोड़ने माया जाती है, छाया उस मणि को देखभाल करती है। तभी सुंदर माया को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और दोनों बातचीत करते करते शादी के बाद तक पहुंच जाते हैं। तभी माया आकर छाया से कहती है, छाया तुम मेरी बहन होकर मेरे बारे में बुरा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें सूरज ने पसंद नहीं किया, शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, पर मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मैं आज और अभी उससे शादी करूंगी। छाया अपनी आंखें लाल कर लेती है। फिर दोनों नागिन बनकर दोनों आपस में लड़ते हैं। छाया को मारकर माया मणि लेकर और जाकर उससे शादी कर लेती है। ये तुमने ठीक नहीं किया माया, तुमने माँ के आने तक का भी इंतजार नहीं किया और ऊपर से तुम माँ की दी हुई मणि भी लेकर भाग गई। तुम अपनी बहन को कैसे मार सकती हो? ये सब ठीक नहीं है माया। उधर शादी होते ही मैं जीत गया, जो मैं चाहता था वही हुआ बिल्कुल। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। सूरज ने एक पहले से ही सपेरे को बुला कर रखा था। सपेरे ने उस नागिन को बनाकर अपने पिंजरे में बंद कर लेता है। सूरज मुझे बचाओ, सूरज मुझे बचाओ। अच्छा तो ये बात है, अब मेरी सब समझ आ गया। तुम अंधे थे ही नहीं, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मुझे बहला फुसला कर मुझसे शादी की ताकि तुम मुझे परेशान करो और मुझसे मणि हासिल कर सको। तुम्हें पहले से ही पता था कि हम दोनों बहनें नागिन हैं, सही कहा ना मैंने? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कोई अंधा वंधा नहीं हूँ, ये सब मैंने मणि के लिए किया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी, बस फिर क्या था, मुझे मणि हासिल करनी थी फिर कैसे भी। सपेरा और सूरज माया को नुकीले चीज से मारते हैं और डराते हैं। माया बहुत कमजोर हो जाती है, हार कर मणि उसको दे देती है। फिर सूरज जो चाहता वह करता, सोने को हर चीज बना देता, हीरा बना देता, हर कुछ बना देता है। अब इस नागिन का क्या करना है, इसे जान से मार दूं? इस नागिन की अब कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसे मार देना ही अच्छा होगा। सपेरा जैसे माया को मारने वाला होता है, तभी उसकी माँ और उसकी माँ मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सूरज सपेरे मेरी बेटी से, और तू लड़की, तेरे बारे में तो मुझे सब पता चल गया। मैंने मुझे सब बता दिया है, फिर मैंने अपने मन की शक्ति से सब देखा, कैसे तूने धोखा दिया मेरी बेटी को। दोनों बहनों के बीच दरार डाली तूने, अब अंजाम भुगत उसका। सूरज और सपेरा दोनों नागिन के डर से भागते हैं। तभी अपने पूंछ से गिराकर और काट काट दोनों को मार डालती है, दोनों मर जाते हैं। छाया माया को आजाद कर देती है टोकरी से। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, माँ मुझे माफ कर देना। नागिन अपने दोनों बेटियों को सीने से लगाकर प्यार दुलार करती है और फिर उन दोनों को लेकर बहुत दूर चली जाती है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।